नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सिरमौर जिला में आगामी 22 अगस्त को विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा। दरअसल भारी बारिश के चलते सिरमौर जिला में 11 और 12 जुलाई को अदालत के कार्य नहीं हो पाए थे। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब इन दो दिनों के लंबित पड़े मामले आगामी 12 अगस्त को निपटाए जाएंगे। 12 अगस्त को विशेष रूप से कार्य दिवस हाईकोर्ट द्वारा घोषित किया गया। नाहन ने मीडिया से बात करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर आर के चौधरी ने बताया कि 11 और 12 जुलाई को सिरमौर जिला के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश के चलते कई लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में अधिकतर मामले लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब इन दोनों दिनों के लंबित पड़े मामलों को 12 अगस्त को निपटाने का निर्णय लिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला के सभी कोर्ट परिसर में विशेष अदालत का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने लंबित मामलों को लेकर अधिवक्ताओं से बात करो और 12 अगस्त को न्यायालय में पहुंचे जिला के नाहन पावंटा साहिब राजगढ़ सराहा शिलाई कोर्ट परिसर में ये विशेष अदालत आयोजित होगी। ये आप सबको पता है कि पिछले दिनों भयंकर बारिश और बाढ़ की वजह से हिमाचल के काफ़ी रास्ते बंद रहे, बहुत सारा नुकसान हुआ। इसी तरह हमारे कोर्ट वर्क भी इफ़ेक्ट हुआ है। शिलाई के कोर्ट में कुछ दरारें वगैरह आ गई थी तो उसे दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया, पर जो 11 और 12 तारीख की डेट्स लगी हुई थी कोर्ट में, उसके लिए हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने 12 अगस्त 2023 को वर्किंग डे सुनिश्चित किया है पूरे सिरमौर डिवीज़न में। उस दिन 10 और 11 तारीख की सारी केसेस जो लगे हुए थे वो अब 12 अगस्त वाले दिन लिए जाएंगे। ये सूचना हम जन संपर्क माध्यम से, दूसरे न्यूज़पेपर के जरिए से आप सब जनता को सिरमौर डिवीज़न के दे रहे हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और ये सिर्फ नाहन के लिए नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ पूरे सेशन डिवीज़न सिरमौर के लिए, जिसमें राजगढ़ कोर्ट, सराह कोर्ट, शिलाई कोर्ट, पोंटा कोर्ट और कोर्ट जो नाहन में स्थित हैं उन सब में लागू होगा। सारे जुडिशियल ऑफिसर उस दिन आएंगे, सारा वर्क नॉर्मल तरह से चलेगा। तो मेरी आम जनता से ये गुजारिश है कि वो अपने अपने अभिवक्ताओं से, वकीलों से कांटेक्ट कर लें ताकि उनको प्रॉपर डेट्स का पता लग सके। धन्यवाद।